Finally, उठ गया मैं. छह बज के 12 मिनट और लौंडा उठ गया. डे वन. ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन का डे वन नहीं है, लेकिन हम लोगों की लाइफ का डे वन है. आज से डाइटिंग शुरू करेंगे. कोई खाबा नहीं खाएंगे. जितने खाबे खाने थे कल मैंने खा लिए. दावत ही घर में, मन के मैंने खाना खाया तो नज़र भी आ रहा है, ये देख रहे हो. तो ये पहनने की वजह ये थी कि मैं अपनी औकात जो है आप लोगों को दिखाऊँ कि कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कोई भी कट नहीं है, कुछ नहीं है. आई एम ऑल फ्लैट, ये सब कुछ ख़त्म. तो तुम लोग ये नहीं कहोगे कि पहले से फिट था और अब ये हमारे साथ ड्रामा कर रहा है. कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ये. दिस इज़ विटामिन सी जो कि है 500 मिलीग्राम, जो मैं खाली पेट खाता हूँ डेली उठ के. अब शुरू करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग डे का स्टार्ट करेंगे विदाउट एनीथिंग, कुछ खाए बगैर, कुछ पिए बगैर. ये मेरी बैग के लिए, बिकॉज मुझे इंजरी है पीछे, तो आई नीड दिस टू रोल ऑन, तो ताकि ज़रा मेरी जो नॉट्स हैं वो ईजी हो जाए. उसके बाद मैं डिप्स लगाऊंगा विद प्लैंक्स. पहला सेट 20 लग गए. नहीं हो गई औकात. नहीं हो रही. खाली पेट करने का ये फ़ायदा है कि आप लोग फास्ट स्टेट में होते हैं. सारी रात से जो भी खाया होता है तो वही यूज़ होगा. दस और बस. और खाओ दावतें. दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर कि शुरू में हर कोई इंक्लूडिंग मी या कोई भी दुनिया का कोई भी बॉडी बिल्डर है फारिग ही होगा, बिकॉज स्टेमिना ही नहीं है भाई, जान ही नहीं है. तो अभी कितने लग गए, 50. तो भाई 95 बस हो गई मेरी. यहीं कॉफ़ी. डे वन है, डिप्स हो गए, पसीना आ गया, पता चल गया बॉडी को कि कुछ होना है. पहला दिन है तो ऑब्वियसली ये जो डिप्स थे मैं दिखा दिए, आइंदा नहीं दिखाऊंगा. कुछ और भी नहीं दिखाऊंगा, जो आज दिखा दिया वो सारा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाएगा. अच्छा, तो नाश्ता हो गया, कॉफ़ी पी ली मैंने, और उसके बाद वीटाबिक्स के बाद दोबारा कॉफ़ी. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग भूख बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कल का जो खाना खाया हुआ था ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो खाना है. तो अभी तक ये सिचुएशन है. तो अभी रनिंग रहती है आज, क्योंकि वार्म अप है. तो उसके बाद बात करते हैं. ओके जी, कुछ मसले. डे वन था तो पता ये चला कि ट्रेडमिल की जो केबल ही नहीं है, क्योंकि इस घर में अब कोई ट्रेडमिल तो करता नहीं, क्योंकि आई लिव इन कराची ना. तो दो दिन बाद ईद है, तो आई थिंक यही बहुत बड़ी जीत होगी कि मैं कार्ब्स कट डाउन करूं. जैसे आज कोई रोटी नहीं खाई मैंने, कोई चावल नहीं खाए, जो कि मैं 3-4 दिनों से तो बहुत ज़्यादा खा रहा था. लेकिन पहला स्टेप यही होता है कि आप कार्ब्स कट डाउन करें जितने कर सकते हैं. आई फेल्ट वेरी लो टुडे, क्योंकि मैंने नहीं लिए थे कार्ब्स. और बॉडी को आदत है कि 6-6 रोटियां खा जाए दिन में, बिरयानी की प्लेट खाए साथ, सब कुछ एक साथ. अच्छा, मैंने आप कोशिश की कि बहुत छोटी वीडियो रखूँ, एक्सप्लेनेशन ना करूँ, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ये बात मत करूँ, ताकि ज़रा अभी फ़ायदा तो है नहीं. जिम मैंने जाना है 6-7 दिन बाद, और उससे पहले जो ये वाली रूटीन है ये ऐसे जितनी इंटरेस्टिंग नहीं है. तो तब तक मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जिस तरह आज मैंने सप्लीमेंट्स दिखाए हैं, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में मैं बता दूंगा कि सारा कुछ क्या है. तो वो भी गेम ऑन हो जाएगी, क्या आपको वैसे पता चल जाएगा. देन देर इज़ एन ऐप
जो कि है कैलोरी काउंटर, उसके बारे में बता दूंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। और अभी तो हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि दिन में डेली डिप्स करेंगे, जो भी लड़के हैं जिन्होंने अभी मेरे साथ बॉडी अपनी ट्रांसफॉर्म करनी है, तो अभी सिर्फ आप लोग स्ट्रेंथ इकट्ठी करें। अभी ईद आने वाली है, ऑब्वियसली सबके घर दावतें होंगी, तो मेरे घर भी होंगी, तो मैं कोशिश करूंगा जितना ड्राई खा सकूं, कार्ब्स नहीं खाने, रोटी चावल ब्रेड इस तरह की कोई चीज़ नहीं खानी। इस पर डिटेल पे बात करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। एक दिन में बॉडी तो बनने से रही, और मेरा जो जो मुँह है मैं छुपा इसलिए नहीं रहा क्योंकि ताकि आप लोगों को पता चले कि कितने बुरे हालात हैं, और मेरी अपनी ज़रूरत है। लेकिन अब ये वाला मशगला भी साथ शुरू हो गया। टफ डे था, आदत नहीं है खुद ही से शूट करने की, आदत है कि लोग शूट कर रहे हैं, आपने बस अपना काम करना है, सो इट्स रियली हार्ड। लेकिन जो गेम ये है कि मैं डेली अपलोड कर पाऊँगा क्योंकि इट्स ऑन द गो, एडिट मोबाइल पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जब हम शो शुरू करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी द डे आई लैंड इन कराची, उसके थोड़े दिनों के अंदर हम लोग, मेरा जो आप लोगों से वादा था कि द शो अबाउट फैशन टिप्स, और उसके अलावा दो तीन और प्लान है, तो वो जाके कराची में फ़ौरन हो जाएगा। तो जर्नी स्टार्ट की है, आई होप पहली वीडियो थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश की है कि थोड़ा सा मैं अपने रिदम के लिए बनाई है, आपने नहीं भी देखनी तो नहीं, मैं अपलोड कर दूँ। और हाँ, एक मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए, वो ये है कि जो अभी जिस तरह आपने देखा कि मैंने 11 नंबर वाला ही नाम रख दिया अपने यूट्यूब चैनल का, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी भी लोग मुझे उसी नाम से बुलाते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। लेकिन जो शो हम सीरीज शुरू करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट फैशन, मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे टिप्स दें। आई एम अ बिट ट्रस्टी क्योंकि मैंने होस्टिंग बिल्कुल नहीं की इतने अरसे से, स्पेशली इस तरह की, और तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा साथ दें, सजेशन दें। मुझे नाम की तलाश है, जो सीरीज़ हम पहली करेंगे उसका नाम क्या होना चाहिए, आइडियाज़ क्या होने चाहिए। आई हैव 2-3 आइडियाज़ जो पहले 3-4 एपिसोड हैं, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ वीकली शो, 10 से 15 मिनट का, मैं और आप सीधा सीधा। तो ओवरऑल ये था, आज ट्रेडमिल नहीं हो सकी, डे वन था, कोई बात नहीं, कार्ब्स कट डाउन हो गए, डाइट है, कॉफ़ी पी ली है, सप्लीमेंट्स तो मेरे चलते हैं साथ साथ, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कब कौन से कितने बजे खाता हूं। लेकिन मैंने कोशिश की जब जब जोन जोन से खाऊंगा एडिट में वहीं दिखाया जाए, तो काटता हूँ इसको, बोर हो रहा हूँ मैं भी, तो कल मिलते हैं।